सबसे पहले सर ये बता ये बताएं ये फिफ्थ ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के हैं और बाकी हमारे रिसर्च स्कॉलर हैं, आप लोग बहुत ही जो है अपने आप को भाग्यशाली समझ रही है कि जो सर जो है भारत के इतनी ही जगह पर इन्होंने जो एक्सप्रेशन किया है जिस चीज़ के लिए आप यहाँ पर बैठे हैं। लेकिन सर जो है कई मीटिंग में अभी उनको जाना है, हमने आपसे पहले भी कहा था कि बस 15-20 मिनट तक जो है आपसे बात करेंगे और 10 मिनट आपके जो सवाल होंगे वो आपको लेंगे, इसलिए वो ज़्यादा फिर हम इनाम के साथ सर का जो है PPT हम लेकर के आएंगे और फिर उसके बाद जो है आप आपके साथ काफ़ी देर तक बातचीत होगी, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग में थे। इसलिए दूसरी बात है कि इंफॉर्मेशन आपको और दे दें कि बहुत अच्छी खबर यह है कि 31 सितंबर को यहाँ एक नेशनल सेमिनार हो रहा है जो बिहार सरकार के कला संस्कृति मंत्रालय में जो है विरासत के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं सर और पटना विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास के कोलाब्रेशन से हो रहा है, तो आप लोग अपने अपने पेपर को आप लोग देंगे, मैं बात करूंगा उस दिन जो है सुबह से होगा। खिलासी का क्या मानना है, सबसे प्राचीनतम नाम जो है वो ग्रीक है जी, और इसका उल्लेख जो है रामायण से शुरू होता है जिसमें कहा गया कि ब्रह्मा के पुत्र चौथे पुत्र वसु उनके नाम के इसका नामकरण किया वसु। दूसरा आता है हमारा उल्लेख महाभारत में जिसमें जरासंध की बात आती है, जरासंध मगध के राजा थे और बृहद्रथ डायनेस्टी, आप इतिहास में पढ़े हो तो बृहद्रथ डायनेस्टी जो यहाँ पे थे और उसी के उसी का जो कमांडर थे वो जरासंध। उसके बाद रामायण की बात भी बहुत सारा उल्लेख आता है हमारे पास पाली ग्रंथों में भी आता है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो निगेटेड है एनी टेक्स्ट इन द थर्ड सेंचुरी। तो मेरा ये मानना था कि ये अखिल है कहाँ, उसकी डेट कहाँ है, बुद्ध का जीवन काल से जो जुड़े हुए साक्ष्य हैं वो कहाँ पर है, तो उसको जानने की ऐसे मेरे अंदर थी कि मैं जब भी काम करूँगा ना उसे करूँगा। इसके पहले मैं चौपड़ नहीं किया था जो कि नालंदा का इतिहास शुरू होता है फोर्थ सेंचुरी बोलते हैं बोलना तो इसने किया था नालंदा आपको इसमें एनडीटी के जो नामांकन पीढ़ी होता है उसके आगे चल के लिए पात्र कहे गए तो उसके सात स्टेजेस हैं नालंदा के एक्सप्लोरेशन में, तो फिर प्रॉपर्टी के हमने वहाँ पे एक्सप्लोरेशन किया था तो वहाँ पे उसकी डेटिंग 1400 BC से लेकर के शुरू किया था। नालंदा का इतिहास थर्ड सेंचुरी जो ये किसी मैक्सिमम एस्टेब्लिश जा रहा उसको बुला के लाओ उसको हम लोग रखेंगे, तो उसको दिया कि आप यहाँ पे आइए मैं आपको आधा राज्य कर दे दूंगा। उनके अंदर देखा होगा दिग्दर्शन उसमें ज्ञान प्राप्ति नहीं मिली, तब उन्होंने कहा कि मैं ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं करता हूँ, तो दीक्षा ने प्रार्थना की कि आपको जब भी ज्ञान की प्राप्ति हो तो आप पहले राजनीतिक पदार्थ हमें मौका दे सकते। तब ज्ञान की जब प्राप्ति हो गई तो वो पहली बार राजगृह आए, तो राजगृह में वो जेठिया वैली के पास इनको स्वागत करने के लिए है, क्योंकि हमारी जो एक संस्कार है कि हम सेवा भाव बहुत जानते हैं मगध के लिए, हम बाहरी को बहुत आदर सम्मान देते हैं, तो 6 किलोमीटर दूर पैदल 8 किलोमीटर तो वहाँ जाकर तो उन्होंने रिसीव किया ये सब बातें। इंशार की पहले का जो इतिहास है वो बिल्कुल अनजान है, सिर्फ साहित्यिक स्रोतों में उपलब्ध है, प्रातात्विक जो साक्ष्य है वो हमारे पास नहीं है, तो न्यू राजगृह कौन बनाया था ऐसा कहा जाता है, ये सब आपको किताबों में शायद ना मिले कि इंशार ने एक आदेश दिया था कि जिसके घर में बहुत आग लगी होती थी किसी कारण से दूर बस हो जाता है, जिसके घर में आग लगी है उसको शीत वन जहाँ शीत यानी आदमी का शरीर ठंडा पड़ता है तो वहाँ पे रखा गया, उसको वहाँ पे समय काटना, यानी कि जो
भगवान शंकर संजोग से देखिए ईशा की गर्मी आ गई इनके किले के एक पार्ट में लगी तो बिलशा ने अपना उड़ीसा से किया और राजा का जो धर्म होता है कि सत्ता प्रजा से लेकर के राजा का सबके समान अधिकार है और जब हमने आदेश दिया तो राजा के ऊपर भी वो अपनी टेबुल बोला तो लोगों कितना बड़ा भान के लिए आज आज की बात सोचो गंभीर बात तो वो चले गए शिवपुर और जब शिवपुर के गए उनके सेनापति ने सोचा कि इसको क्या करूँ मैं चलो यहाँ पर ही किला बना देते हैं और व्यवहार भी पंच पहाड़ी में कौन कौन है व्यवहार के लिए बिल्कुल मिली है तो उसको न्यू गांधी किला मैदान बनाया उसी शिवगढ़ को जाएंगे तो आपको उसके जस्ट ईस्टर्न यानी साउथ ईस्टर्न कॉर्नर में एक साइट है जहाँ पे मेला जो लगता है तो बैतरणी कुंड बोलते हैं आप सुना वहाँ पे कहानी है कि पूछ पुत्र की कायदा उस वर्ग यानी लंबी कहानी उसको भी आप लोग जानते होंगे या पढ़े होंगे तो उसको जो 800 मीटर चौड़ा 800-900 मीटर लंबा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बीच में रोड गुजरती है बस स्टैंड कभी रास्ते पे हो तो साइड में हम लोग ने एस्केलेशन का प्लान बनाया उसके पहले हम लोग क्या करते हैं फिजिकल सर्वे करते हैं एक तो फिजिकल सर्वे किया देखा साइट में कहाँ पोटेंशियल है दूसरा साइट में जाते हैं तो क्या देखते हैं कि हमने पहला ट्रेंच कहाँ लगा है पोटेंशियल इसे क्या कहते हैं फर्स्ट ट्रेंच A1 कहाँ लगेगा A1 को डिसाइड किया तब बुलाते हैं हम लोग कि देश की सफाई करो एक तरफ जंगल है एक तरफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का वो जमीन है वो सारा कुछ डंपिंग ग्राउंड था एक तरफ वो मीटिंग पॉइंट था कि एक प्री मॉडल तो हमारे गुरु जी रावत सर जो थोड़ा मेरा में हमको ट्रेनिंग दे चुके थे और सभी को असिस्टेंट डायरेक्टर जी थे मैडम प्रोफेसर वो साइंटिस्ट की क्लास के हैं तो वो आकर के वो सैंपल ली है और उसका स्टडी कर ली तो उसमें ये क्या रहा कि प्री मॉडल तो हमें मिल गया एविडेंस अनडाउटेडली और जो पत्थर की दीवार बोलते हैं कि वो विक्षार काल का था ये बात नहीं वहाँ जो साबित हो गया कि उपानंद 1812 में आए थे उन्होंने कहा कि ये जो लोकल लोग हैं बोलते हैं कि इसको बनाया था शेरशाह सूरी ने नाइन के सही भी लगा निर्माण जो हुआ था स्टोन का जो बात का उसमें जो आर्किटेक्चर है जो सरपुर अच्छे स्पेशल बने हुए हैं वो सीधा लाकर के फिर आर्च होगा लेकिन डायनेस्टिक होगा यानी जो सरपुर के वॉल है वो पूरा गोल होगा स्टार्टिंग से वॉल से फिर दोनों आर्किटेक्चर जो डिफरेंसेस है उसके आधार पर हमको इज्जत करते हैं कि ये बात का है और ये पहले का है तो इन सभी चीज़ों को जब हम लोगों ने कोरिलेट किया तो एविडेंस मिल गए हैं बट हमें साइंस के भी कभी प्राप्त नहीं हुए हैं तो इसलिए हम लोग उसको डिक्लेयर नहीं किया मीडिया भी नहीं दिया और एक सबसे बड़ी बड़ी खूबी है वहाँ कि इसका उत्खनन है सबसे पहला किया था नासरी को समझने के लिए दो तीन साल और मेहनत की जरूरत है लेकिन सर जो बस मैं अभी जस्ट 1 अगस्त को ज्वाइन किया इसके पहले जो है तेलहाड़ा एक्सप्लोरेशन हुआ नाम जानते हैं वहाँ पे भी डेवलपमेंट वर्क शुरू कर दिए हैं चिरांग आपने नेग्लेक्टेड साइट था वहाँ पे युद्ध स्तर से काम परसों ही परसों जा करके मैं खुद दिन भर रह के काम शुरू करके वहाँ आया लाली की पहाड़ी है एक्सप्लोरेशन हुआ है अभी वहाँ भी कंजर्वेशन वर्क शुरू करा दिया है तो आते के साथ मैं थोड़ा सा व्यस्त दौरे पर फिर आज पॉजिट है सेना है हम लोग फौज के सिपाही थे संस्कृति के सिपाही एक अंतिम बात मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बातें तो बहुत लंबी कर सकता हूँ जब पावर पॉइंट हुआ ये आपसे वादा करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब मिले पावर पॉइंट की व्यवस्था हो आपको उसके माध्यम से बताऊँगा अच्छी बात तो लास्ट लाइन क्या है कि कल्चर कल्चर है मैं जब फौज में मेरा हुआ था कमांड डिफेंस तो उसमें मेरा एनसीसी शिक्षक के भी था आई वाज द बेस्ट कैडेट ऑफ बिहार एंड झारखंड इन सीनियर टीम्स इन 1985 तो उसमें मेरे को वहाँ की डायरेक्ट कॉल वॉल आया था कि उन्हें ऑटो नहीं मिलता पेरेंट्स में कौन बैठ अरे जी सर अगले साल तो मुझे आर प्रवास ही फिर आया तो डॉक्टर टीम रॉय थे और पी सिंह थे विधुरा जायसवाल मैडम का साहब नाम सुना होगा जो जायसवाल मिश्रू भी है उनके नाना जी थे काशी पंजाब मैडम जानते हैं बहुत पहले से मिल चुके हैं और तो ये सारी जो क्या मैं जा सकता
कल्चर है क्यों सर, इतना मैं पागलपन मेरे अंदर क्यों है, मेरे जैसे और भी लोग हैं ये साइड जो पागलों की तरह काम कर रहे हैं, दिन रात एक कर देते हैं, एक जुनून होना चाहिए, ये नौकरी नहीं, ये बलिदान है, त्याग है, पुरातत्व, पुरातत्व कभी भी सेवा सर्विस सर्वेंट का काम नहीं है, पुरातत्व एक बहुत बड़ा योगदान है, पुरातत्व में योगदान देने का मतलब है कि आप अपने देश की आत्मा की रक्षा करें, उसको छलनी होने से बचाना है, उसके जो भाव हो रहे हैं उससे बचाना है। अगर हम समझ गए कि सरस्वती माननीय जगमोहन मंत्री थे हमारे, तो उन्होंने कहा सरस्वती हेरिटेज प्रोजेक्ट लॉन्च, इतनी भी हड़प्पा काल द्वार बोलते हैं कि हड़प्पा ने पहली बार किया तो 1500 साइट है आपको सरस्वती वैली में, वहाँ 400 तक रिकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू 2030 रिसर्च में बता रहा हूँ। 2003 में जगमोहन जी थे, उन्होंने कहा कि मुझे पूछा क्योंकि मूल वही हम वही से माइग्रेट करते हैं, ब्राह्मी लिपि जो है सारे लैंग्वेज का मेरा मोबाइल रखूंगा इंटरनेट वो कर रहे, उससे परेशानी कभी होती है, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, बात करते हैं, उनको जो चाहिए सुविधा वो देते हैं, और हेल्पिंग एटीट्यूड बनाएंगे एक दूसरे को, आप भी जानते हो तो देने का प्रयास करें, और जो भी आपको लगता है कि नहीं जानते हैं तो इनसे लेने का प्रयास करें, जो आपके दूसरे लोग तो एक हरियती है विरासत इसी को बना, संस्कृति इसी बना है, इसी को आप हम किसी और मेरा शायद 7 मिनट हैं तो मैं 3 बजे पहुँचना भी है मुझे मीटिंग है, तो इसी के साथ बहुत सारी बातें अधूरी रह गई, मन भरा नहीं है, आगे हम जरूर सर से कोशिश करते हैं आप लोग से भी कि जब भी याद करेंगे हम घंटों आपसे बातचीत करेंगे, डिस्कशन करेंगे, और पावर पॉइंट के माध्यम से हम आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे, बिहार में हम तकरीबन 250 मगध रेंज में मेरे पास रिकॉर्ड है सारे गाँव का, आपको बताइए देंगे और जो भी मदद हो हम देने के लिए धन्यवाद सर, एक बार फिर से सर आराम सब देना है सुजीत नारायण सर का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा मन तो नहीं भरा है लेकिन क्या करें मजबूरी है, सर को भी निकलना है, और इस सुंदर आख्यान के लिए सर ने जो राजगीर के बारे में बताया, वैसे भी राजगीर जो है मगध क्षेत्र की राजधानी के रूप में बहुत दिनों का रहा, और प्राचीन काल में मगध जो था मगध का इतिहास वही बिहार का इसके बाद ये सब हम लोग के पास गए बहुत सारे म्यूजियम है, पीपल्स डिप्लिकाए हैं, बनाया गया है एक्चुअली यहाँ उस समय काफी एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये हम लोग के पास टेराकोटा का फ्लेक्स है, ये अंतिम चर्चा के वजह से काफी बड़े मात्रा में ये मिला बहुत पहले लोग बना करते थे हमारे पास कल चिराग में बहुत बड़ा म्यूजियम बना हुआ है, ऐसे ही है तो एनबीपी का यहाँ अभी आप देखेंगे इसको हम लोग हाँ हम लोग कैसे ये करते हैं।
सर 40 वर्ष के बाद 40 वर्ष के बाद मैंने खोलने का मतलब ये किया वो उसी का ये रिप्लिका करके Thank you.